में एंड जेनी रेयरली क्वेरल फाइट का विथ ईच अदर, एक दूसरे से झगड़ा बहुत कम ही झगड़ा करते हैं। उसके बाद कासिम आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस देश ऑनेस्टली, मतलब सही से जवाब दिया, कम्प्लीटली एकदम पूरी तरह से जवाब दिया, आंसर जवाब दिया, ये इसका कम्प्लीटली आएगा। रीता वॉस देश विथ हर रोल इन स्कूल प्ले, स्कूल प्ले, स्कूल प्ले होता है एक ड्रामा जो स्कूल में पेश किया जाता है, तो उसके लिए उनको एक रोल मिला है, उनको ड्रामे में कुछ करना है, तो जो उसको कहते हैं रोल, उसका जो रोल दिया गया है उससे वो बहुत खुश है, प्लीज्ड मतलब क्या है खुश, तो एक्साइटेड, बहुत खुश होना, एक्साइटेड, यहाँ एक्साइटेड EXCIT, ठीक है, एक्साइटेड, वो बहुत खुश है, तो यहाँ एक्साइटेड आएगा। नेक्स्ट है हमारा है पंक्चुएशन। देखो पंक्चुएशन में क्या होना चाहिए, पंक्चुएशन हमें पता है, पंक्चुएशन कहते किसको हैं, पंक्चुएशन वही कहते हैं कि जिसमें कैपिटल लिखना हर सेंटेंस का फर्स्ट वर्ड, और फुल स्टॉप लगाना, और कॉमा लगाना, समझे, और जो है एपोस्ट्रॉफी लगाना, और ये सब चीजें पंक्चुएशन में, आज पंक्चुएशन में हम पढ़ने जा रहे हैं। डोंट फाइट, व्हाट अ ब्यूटीफुल थ्रोन, डोंट फाइट में आपने एक लकीर और नीचे एक डॉट देखा होगा जिसको हम कहते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क कहते हैं, देखो एक्सक्लेमेशन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क ऐसा होता है, ऐसे लगा के नीचे एक डॉट लगाना, ये होता है एक्सक्लेमेशन मार्क, इसको कहते हैं, ठीक है। तो आपको यही लगाना है कहां पर, इन सेंटेंस में एक्सक्लेमेशन मार्क हमेशा एंड में आता है, ठीक है। देखो यहां पे अब कब कब आता है एक्सक्लेमेशन मार्क, यहां पे बता रहा है, वी यूज एन एक्सक्लेमेशन मार्क इस तरह से टू शो स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स सच एज जॉय, सरप्राइज और एंगर। हम एक्सक्लेमेशन मार्क करते हैं जब कोई हम कोई बात ऐसे कहते हैं कि जिसमें खुशी बहुत ज्यादा हो, या आपको बहुत ताज्जुब हो रहा हो, या आपको बहुत गुस्सा आ रहा हो, खुशी ताज्जुब और गुस्सा, खुशी ताज्जुब और गुस्सा का जो सेंटेंस आता है उसके लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क आते हैं। सम थिंग्स समटाइम्स इट इज ऑल्सो यूज आफ्टर ऑर्डर्स, ऑर्डर के बाद भी, यानी जैसे कोई हुक्म देता है उसके बाद भी एक्सक्लेमेशन मार्क आता है। प्लेस एक्सक्लेमेशन मार्क ऑल फुल स्टॉप्स इन द करेक्ट प्लेसेस इन दीज सेंटेंसेस, हमें एक्सक्लेमेशन मार्क और फुल स्टॉप लगाना है। अगर कोई ऐसा ही मामूली से सेंटेंस तो वहां फुल स्टॉप लगाना है, लेकिन जहां पर अगर हमें खुशी और सरप्राइज और जो है एंगर को अगर हमें दिखाई दे तो वहां पर हमें एक्सक्लेमेशन मार्क लगाना है। जैसे यहां हाउ स्वीटली ही सिंग्स, आह कितना बढ़िया गाती है, तो इसमें कितना बढ़िया गाती है, इसमें आएगा क्या एक्सक्लेमेशन मार्क, ठीक है, इसमें खुशी की बात, कितना बढ़िया गाती है, वाह। शी लाइक्स एप्पल्स एंड ऑरेंजेस, इसमें फुल स्टॉप आएगा, इसमें कुछ एंगर जॉय या कोई सरप्राइज नहीं है। सिट डाउन एट वंस, सिट डाउन एट वंस यानी एक बार में नीचे बैठो, इसमें गुस्सा है, तो यहां फुल स्टॉप नहीं आएगा, इसमें आएगा एक्सक्लेमेशन मार्क, एक बार में नीचे बैठो ऐसा करना। हेल्प देयर इज अ फायर, मदद करो, देयर इज फायर, वहां पर एक आग लग गई है, एक्सक्लेमेशन मार्क, ठीक है। वाओ व्हाट अ वंडरफुल व्यू, व्हाट अ वंडरफुल व्यू, वाह क्या खूबसूरत नजारा है, तो वहां पे हमने एक्सक्लेमेशन मार्क। राज इज गोइंग टू चेन्नई ऑन मंडे, इसमें कोई जॉय की खुशी और की बात को है नहीं, राज जो है चेन्नई जा रहा है मंडे को, बस इसमें फुल स्टॉप आएगा, सिर्फ फुल स्टॉप, ठीक है। ओ नो आई फॉरगॉट टू ब्रिंग माय टेक्स्ट बुक, ओ मैं अपनी कॉपी लाना भूल गया, ओहो, तो ये जो है, ठीक है, एंगर की कोई सेंटेंस है तो इसमें हम क्या लगाएंगे, एक्सक्लेमेशन मार्क लगाएंगे।
प्रीति वॉज गोइंग टू मीट हर आंट, प्रीति अपने आंट को आंटी को मिलने जा रही थी, फुल स्टॉप। तो ये एक बात है कि जिसको बताया जा रहा है, इसमें कोई एंगर या जॉय नहीं है, इसलिए इसमें कोई चीज नहीं आएगा, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है हमारा, इसको आपको लाउडली पढ़ना है। रीडिंग अलाउड, लिसन टू द पोइम, टू दिस पोइम, देन रीड इट अलाउड इन द क्लास। हाउ इज दिस बॉय डिफरेंट फ्रॉम द बॉय हु क्राइड वुल्फ, द बॉय हु नेवर टोल्ड अ लाई। Once there was a little boy with curly hair and pleasant eye, a boy who always told the truth and never told a lie, lie matlab jhoot. And when he trotted off to school, the children all about would cry, "Dear goes the curly-headed boy, the boy that never tells a lie." And everybody loved him so, because he always told the truth, that every day as he grew up, 'twas said, "There goes the honest youth." And when the people and the people and when the people that stood near would turn to ask the reason why, the answer would be always this, because he never tells a lie. ये हो गया, हमें loudly पढ़ना था, जोर से पढ़ना था। Pronunciation, sheep, treasure. The letters in color have two different sounds. Sheep, shil की आवाज आना है। Sheep has and sure sound, sh sure sound, and treasure has z sound, z treasure, z की आवाज आना चाहिए, sh और z, समझे। तो ये दो अलग अलग साउंड हैं जो हमें जब पढ़ते वक्त हमको इसको लगना चाहिए। जैसे लिसन एंड रिपीट द वर्ड्स, ship, sh ship, shift, shame, shoot, shampoo, sharp। लिसन, अब यहां इसको देखो, प्लेजर, जो की आवाज आएगी नहीं, यहां पे बताया था जेट एच, प्लेजर, कैजुअल, यूजुअल, विजन, मेजर, टेलीविजन। तो श और जो की आवाज आई, ये दोनों अलग अलग साउंड्स हैं। लिसन, हाँ, अब यहां देखो, शिप, ट्रेजर, शूट, विजन, शिफ्ट, प्लेजर, शैम्पू, मेजर, शेम, यूजुअल, शार्प, रिविजन। ए बिग शिप, अ शार्प नाइफ, के साइलेंट है, नाइफ, अ यूजुअल शिफ्ट, अ बॉटल ऑफ शैम्पू, क्लेवर विजन, मेजर द लेंथ। ये हो गया। अब यहां राइटिंग है, चलो हम जरा उसके बाद हम जरा करते हैं। देखो यहाँ पे तो ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं करता हूँ। डिस्कवरी, आपको जो है कोई सेंटेंस कैसे बनाना लिखना है। देखो, डिस्कवर वर्ब है, डिस्कवर मतलब होता है टू फाइंड समथिंग, समथिंग दैट यू डिड नॉट एक्सपेक्ट टू फाइंड, डिस्कवर। मदर डिस्कवर्ड एन ओल्ड डॉल ऑफ हर्स इन ए शू बॉक्स, ठीक है। Excited, बहुत खुश, प्रीति इज वेरी एक्साइटेड अबाउट द मैच टुमोरो, ठीक है। क्वेरल, क्वेरल मतलब झगड़ा करना, आर्ग्यूमेंट करना। द टू ब्रदर्स हैड ए क्वेरल ओवर ए क्रिकेट बैट, क्वेरल। वर्दी, डिजर्विंग, आई थिंक आर्यन इज ए वर्दी कैंडिडेट टू बी द कैप्टन ऑफ द टीम। चलो ठीक है, हम आप इसको जो है रीडिंग करेंगे, सिर्फ रीडिंग करेंगे। इसमें हम आपको बताएंगे ये आपका जो है क्या कहते हैं उसको, ये वो पोइम है जिसको आपको आपके लेसन का जो एक हिस्सा है। फ्लाइंग काइट, आई ऑफन सिट एंड विश दैट आई कुड बी ए काइट अप इन द स्काई एंड राइट अपॉन द ब्रीज एंड गो
whichever way I chanced to blow. Then I could look beyond the town and see the river winding down and follow at the ships that sail like me before the merry gale until at last with them I came to some places with a foreign name. Frank Dempster Sherman. ये उनका poem है. क्या बता रहा है ये? Flying kite के बारे में बता रहा है कि एक पतंग है कि जो आसमान में उड़ता है. वो क्या कहता है? वो कहता है I often sit and wish that I could be a kite up in the sky. ये बता रहा है. अब ये क्या कहते हैं, हमारा जो पोइम लिखने वाला कह रहा है कि मैं कभी कभी बैठा रहता हूं और सोचता हूं कि काश मैं इस काइट की तरह उड़ सकता. अगर उड़ सकता तो मैं सुबह की हवा के ऊपर सवार होता और मैं हर उस जगह जाता जहां मैं जाना चाहूं, और उड़ते उड़ते मैं इस शहर के बाहर जाता. अच्छा, अगर उड़ते उड़ते मैं शहर के बाहर की चीजों को देख सकता और उन रिवर को भी देख सकता, किस तरह से रिवर जो है ज़िगज़ैग किस तरह से इधर उधर मुड़ता है, और मैं अगर उड़ता होता तो मैं हर उस शिप को भी देखता कि जो समंदर में चलता है, और मैं जब उड़ता तो मैं तेज हवा के आगे आगे उड़ता, यहां तक कि मैं किसी ऐसी जगह पे पहुंचता कि जिसका नाम मेरे लिए एकदम अजनबी है. तो यह है इस पोइम का जो है असल थीम, कि जिस में ये पोइम लिखने वाला ख्वाहिश कर रहा है कि काश मैं एक काइट, फ्लाइंग काइट होता तो मैं भी पूरी दुनिया को आसमान से देख सकता. ठीक है गाइस, हम जो है कल से इंशाल्लाह इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे. आप भी इसको रीडिंग कीजिएगा, बहुत अच्छे से रीडिंग करना. कैसे रीडिंग करना है इसको मैंने अभी बताया, मैं आप फिर एक बार बताऊं. फ्लाइंग काइट, आई ऑफन सिट एंड विश दैट आई कुड बी ए काइट अप इन द स्काई एंड राइट अप ऑन द ब्रीज एंड गो whichever way I chance to blow. Then I could look beyond the town and see the river winding down and follow all the ships that sail like me before the merry gale until at last with them I came to some place with a foreign name. ठीक है, okay.